नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर। आज आपको हम एक बड़ी खबर से अवगत कराते हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। खबर मध्य प्रदेश की गुना से। कश्मीर सोसाइटी रोजाना बांट रही 400 भोजन पैकेट। कोरोना लॉकडाउन में निचले तबके गरीब जरूरतमंदों के सामने राशन भोजन की परेशानी को देखते हुए सामाजिक संस्थाओं ने आगे आकर पहल की। इसी क्रम में कश्मीर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने आगे आकर जरूरतमंदों की मदद में भागीदारी की। इस सोसाइटी के पदाधिकारी मोहम्मद आबिद खान, उपाध्यक्ष मुस्लिम समाज मध्य प्रदेश नूरुल्ला यूसुफ, जयसहर काजी गुना, रहीस खान उपाध्यक्ष जिला वक्फ कमेटी गुना सहित अन्य जिम्मेदारों ने कोरोना काल के दौरान सोसाइटी द्वारा रोजाना 400 भोजन पैकेट तैयार कर बांटे जा रहे हैं। पिछले साल भी सोसाइटी का गरीबों की मदद के लिए सराहनीय योगदान रहा था। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए गुना से राकेश जैन की रिपोर्ट। लॉकडाउन के बाद से फूड की थोड़ी खाने को लेकर परेशानी आती रही है, तो हम लोगों ने गुना नागरिक समूह और हमारी कश्मीर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बराबर जब से लॉकडाउन लगा है तकरीबन रोज़ाना 300-400 पैकेट गरीब बस्तियों में पके हुए खाने के बांटे जा रहे हैं। और इसी क्रम में ईद के उपलक्ष्य में आज भी जो है लगभग 400 पैकेट बांटे गए हैं।